बिहार को मिली एक नई सुपरफास्ट ट्रेन जिसका परिचालन बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेगा। यह ट्रेन कब से चलेगी, क्या रहेगा इसका टाइमिंग, यह जानेंगे इस अपडेट में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। सहरसा रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन चलेगी 2:32 पर दोपहर में। यहाँ से यह ट्रेन खुलने के बाद सिमरी बख्तियारपुर में इसका स्टॉपेज रहेगा और यहाँ पर यह ट्रेन 2:45 दोपहर में पहुंच जाएगी। यहाँ से खुलने के बाद यह ट्रेन खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय, बड़ौनी, दालसिंह सराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान के रास्ते यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन में इसका स्टॉपेज दिया गया है। दूसरे दिन यह ट्रेन 9 रात में अमृतसर पहुंचेगी। सहरसा से अमृतसर के बीच चलने वाली सहरसा अमृतसर गरीब रथ सुपरफास्ट ट्रेन का परिचालन आपको देखने को मिलेगा जुलाई के पहले सप्ताह से। इसका परिचालन भी पहले के टाइम टेबल के अनुसार देखने को मिलेगा और ट्रेन नंबर की बात करें तो 04687 जो कि इसका नया ट्रेन नंबर होगा, आप इस ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं। 1712 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन करेगी तय सहरसा से अमृतसर के बीच और करीब करीब मुख्य रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉपेज दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया यह ट्रेन अमृतसर 9 रात में पहुंचेगी और इसका सफर 2 दिनों का रहने वाला है। वापसी दिशा में यह ट्रेन अमृतसर से चलेगी सहरसा के लिए ट्रेन नंबर 04688 के साथ। यह ट्रेन 4 सुबह में प्रस्थान करेगी अमृतसर से और यहां से खुलने के बाद जालंधर सिटी, फगवाड़ा, लुधियाना, अंबाला कैंट के रास्ते न्यू दिल्ली को आएगी। न्यू दिल्ली से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन हापुड़ जंक्शन, मुरादाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन में इसका स्टॉपेज दिया गया है। फिर यहां ट्रेन 1712 किलोमीटर का सफर तय करके 11:20 पर दूसरे दिन सहरसा रेलवे स्टेशन को आएगी। इस ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू होने के बाद पैसेंजरों को अब सीधी ट्रेन मिल पाएगी दिल्ली के रास्ते अमृतसर के लिए। कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट के लिए।